गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरडी भट्ट। टुडे आई शैल टीच यू द नाउन जेंडर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द नाउन प्रोनाउन एंड रिसेंटली आई टोल्ड यू अबाउट द नाउन नंबर। नाउ आई शैल स्टार्ट नाउन जेंडर। जेंडर, the meaning of gender is link. These are in English, it is four types of genders. There are four types of gender. Four types of gender. Gender. जेंडर क्या है? किसी भी प्राणी के या जो निर्जीव भी है, जीवित यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, जो लिंग को बताता है, जेंडर को बताता है, ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। द फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर। फर्स्ट इज द फर्स्ट जेंडर इज मैस्कुलिन जेंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पुलिंग। एनी द वर्ड दैट डोनेट्स ए मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। यानी कि जो शब्द एक नर जाति का बोध करते हैं वो सभी मैस्कुलिन जेंडर या पुलिंग में आते हैं। द डेफिनेशन इज नाउ द वर्ड डेनोट ए मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। द वर्ड डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जिसी किसी पुरुष जाति का बोध होता हो वो सभी मैस्कुलिन जेंडर में होते हैं। जैसे बॉय बुल हॉर्स राम इटी। ये सभी ये पुरुष जात का बोध करते हैं। बॉय लड़का, सांड घोड़ा, राम, ये सभी हमारे मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। नाउ सेकेंड इज फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर द वर्ड डेनोट्स ए फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, अर्थात स्त्रीलिंग। इसमें वो शब्द जो किसी स्त्री जाति को यानी कि मादा जाति को प्रभावित करते हैं या उनके नाम के आगे आते हैं वो सभी फेमिनिन जेंडर्स में होते हैं। द वर्ड डेनोट्स ए फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। द वर्ड डिनोट्स फेमिनिन इज कॉल्ड फेमिनिन फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। एज गर्ल मेयर कैट
कैट काउ सीता इटी, ये सभी फेमिनिन जेंडर में आते हैं। जो स्त्री जाति का बोध करते हैं वुमेन गर्ल मेयर कैट काउ सीता, ये सभी फेमिनिन जेंडर में आते हैं। अब आपने मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को जान लिया, एक पुलिंग है एक स्त्रीलिंग है, एक स्त्री जाति का बोध होता है और दूसरा पुरुष जाति का बोध होता है। तो थर्ड जेंडर यू विल सी द कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जैसा कि आपको कॉमन से मतलब ही देखते हैं कि उभय उभयनिष्ठ, यानी कि जो दोनों में होता हो वो उभयनिष्ठ कहलाता है। तो जो ना तो वो स्त्री जाति का बोध करता हो ना पुरुष जाति का बोध करता हो, वो सभी कॉमन जेंडर में आते हैं। इट मीन्स वी कैन से द वर्ड डिनोट्स मेल और फीमेल आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। डिनोट्स मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड फेमिनिन कॉमन जेंडर। जिसमें आपको ना पुरुष जाति का बोध होगा ना स्त्री जाति का बोध होगा, वो सभी कॉमन जेंडर में आते हैं। जैसे टीचर, टीचर मे बी ए मेल और मे बी ए फीमेल। सो टीचर, डॉक्टर, डॉक्टर ऑल्सो मे बी लेडीज मे बी जेंट्स। टीचर, डॉक्टर, बार्बर, ये भी है। म्यूजिशियन, संगीतकार, लेडीज भी हो सकती है जेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये सभी जो ना तो स्त्री जाति का बोध करते हैं ना पुरुष जाति का बोध करते हैं, अर्थात ये दोनों को ही डिनोट करते हैं, अकेले किसी को नहीं होते, ये सभी कॉमन जेंडर में आते हैं। नाउ द फोर्थ जेंडर इज अवर न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल मीन्स नपुंसक, नपुंसक लिंग, अर्थात इट डोनेट्स द नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आर न्यूट्रल जेंडर। एज ट्री, रोड, टेबल, चेयर, कार, बस, इटीसी, ये सभी न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग में आते हैं। नाउ यू नो डाउन सम होमवर्क, सर्ट आउट
अच्छा ये एक साल में 1000 होना चाहिए। सॉर्ट आउट और ये वाला क्या कह रहा है, चार जेंडर्स एंड राइट नेम फर्स्ट फीस सेकेंड वुमेन थर्ड हॉर्स फोर्थ चेयर फिफ्थ राइटर। इनकी जेंडर्स के नाम आपको सामने लिखने हैं और ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको करके आपको फिर भेजना होगा, होमवर्क करना होगा। ओके, थैंक यू।